हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आपके पास रियलमी नार्जो 20 है उसमें न्यू अपडेट जो है अभी तक आपको अवेलेबल नहीं हुआ है तो उसे कैसे अपडेट करें और कैसे करें कि अपडेट आप में शो करने लगे, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक धैर्य बना के बने रहिए, मैं बारीकी से सारी चीज़ें बताने वाला हूं। क्या आपको क्रोम से या गूगल से जाकर उसके डाउनलोड करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से या नहीं करना चाहिए कि वेट करना पड़ेगा आपको, तो चलिए सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रियलमी की ओर से कोई भी न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हमारे पास रियलमी नार्जो 20 है, इसमें ऑफिशियली अपडेट जो आया था 413 MB का 28 तारीख को हमने इसे कर लिया है और जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी सारे प्रॉब्लम दूर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर अपडेट मैं आपको दिखा दूं। देखिए हमारे में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, देख रहे हैं वर्जन अप टू डेट, यानी जो न्यू वर्जन आया था वो डाउनलोड हो गया है और सारे के सारे उसका फ्यूचर भी मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी पैच में कुछ चेंज किया गया था, उसके बाद ऑप्टिमाइज कुछ कैमरे में किया गया था, कैमरे के प्रभाव को चेंज किया गया था, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड में जो शॉर्ट में दिक्कत हो रही थी बैकग्राउंड में उसको सही किया गया है। उसके बाद जो सबसे तगड़ा प्रॉब्लम आ रहा था रियलमी की फोन में, यानी स्क्रीन जब भी फोन आता था इनकमिंग कॉल तो ऑन नहीं होता था, यानी ब्लैक दिखाई दे रहा था, उसको भी इसमें दूर कर दिया गया है। तो सारे के सारे चीजें जो भी है आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही थी सारे अपडेट में क्लियर कर दिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि अब इस अपडेट को क्रोम से करना चाहिए या गूगल से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रोम पे लेके चलता हूँ अपने। क्रोम में जाने के बाद सर्च कर लीजिएगा रियलमी नार्जो 20 ऑफिशियली वेबसाइट अपडेट, यानी ऑफिशियली अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा इस प्रकार से और सारे के सारे फ़ोन जो भी फ़ोन न्यू आए हैं उसका आप वर्जन यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते हैं रियलमी 7i के अपडेट यहाँ पर दिया गया है, इसके नीचे आपको देख रहे हैं रियलमी नार्जो 20 का देखने को मिल जाएगा। क्या इस पर आपको अपडेट डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गलती बिल्कुल आप मत करना। देख सकते हैं कि पे अपडेट भी दिया है और उसके बारे में वर्जन के बारे में भी दे दिया है और साथ में साइज भी इसका दिया है 3.28 GB, यानी बहुत ही लंबा अपडेट होने वाला है। और जल्दी पहले आपको मैं फ्यूचर दिखा दूं कि क्या अलग फ्यूचर मिल रहा है इस पे। आपको अप टू डेट लॉन्ग पे करेंगे ना अपडेट लॉन्ग पे क्लिक, तो आपको सारा फ्यूचर दिखा देगा कि इस अपडेट को अगर डाउनलोड आप करते हैं तो क्या क्या मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं जो 413 MB का अपडेट आया था ऑफिशियली अपडेट में उतने ही सारे ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो इसका साइज रखा गया अपडेट का तो 3.2 GB, यानी बहुत ही लंबा तगड़ा इसका अपडेट रखा गया है। तो इसे आप बिल्कुल ही गलती से भी डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि जब 413 MB में आपको ये सारे के सारे फ्यूचर अपडेट में मिल जा रहे हैं जब ऑफिशियली आपके फ़ोन पे रोल आउट हो रहा है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप ये रिस्क लेते हैं तो आपका फ़ोन भी डेड हो जाएगा और अपडेट तो होना या ना होना मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। आपको क्या करना है अपडेट के लिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना होगा और रिफ्रेश करते रहिए। जब भी कंपनी आपके लिए अवेलेबल अपडेट करेगी तो यहीं से आप वो अपडेट को करना है, कभी भी आपके फ़ोन में यहीं से अपडेट आएगा और यहीं से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस आज की वीडियो में इतना ही, आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जा चेक करते हैं, जब भी अवेलेबल होगा आप कर लीजिएगा।